ये कहानी एक 17 साल के जबाज लड़के बाकी हनामा की, जो एक लंबा चौड़ा सुडौल शरीर वाला ताकतवर लड़का है। लेकिन यही नहीं, मार्शल आर्ट्स के ब्लैक वर्ल्ड से निकले 5 धुरंधर बाकी से मिलकर हार का मजा चखाना चाहते हैं। वो सभी दिखने में तो 7 फुट हाइट वाले 125 किलो के मॉन्स्टर से कम नहीं है। डॉरियन डॉयल शिकोसी स्पैक रियोकू सिर्फ नाम नहीं बल्कि डर और दहशत से भरे हुए चलते हुए नमूने हैं, जो काफी खूंखार और करूर भी हैं। उन्हें दुनिया की किसी भी जेल में कैद कर पाना लगभग नामुमकिन है। इन फाइटर्स को अपनी मंजिल मिलती तो है, लेकिन बाकी हनामा के साथ नहीं बल्कि 4 और इलाइट लेवल फाइटर्स के साथ। ये कहानी जापान के एक स्कूल से शुरू होती है, जहाँ एक टीचर को दिखाया जाता है जिसके हाथ अचानक से कांपने लगे और सभी बच्चों को लगा कि पढ़ाते हुए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए सभी स्टूडेंट नर्सिंग रूम जाने को जिद करने लगते हैं। लेकिन असल में ये एक अर्थक्वेक है, क्योंकि टीचर के पूछने पर सभी बताते हैं कि उन्हें भी इसका एहसास हो रहा है। धरती की कंपन इतनी तेज होने के बावजूद एक लड़का कोने में शांति से सो रहा है, और वो बाकी हनामा है, जिसका चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी है। आखिर वो एक रेसलर जो है। कुछ टाइम गुजारने के बाद 3 बदमाश लड़के बाकी को बाहर घेर लेते हैं और अपनी दादागिरी की डींगे हाँकने लगते हैं। बाकी ने सबको बताया था कि उसके चेहरे का ये हाल सीढ़ियों से गिरने के बाद हुआ है, लेकिन उन तीनों को लगता है कि बाकी की किसी ने अच्छे से खातिरदारी की थी, मतलब पिटाई की थी। बाकी अपने शांत स्वभाव और अपनी मार्शल आर्ट स्किल की वजह से पूरे स्कूल में काफी मशहूर था, इसलिए रियो के पैर उससे बात करने में कांप रहे थे। और इस बार ये भूकंप नहीं था, जो बात वो कहना चाह रहे थे वो उनके मुंह से बाहर ही नहीं आ रही थी। बाकी कहता है कि अगर तुम्हारी बचकानी हरकतें खत्म हो गई हो तो मुझे चलने चाहिए। एक लड़का बाकी को टोकते हुए उससे पूछता कि तुम्हारी असलियत आखिर है क्या, लेकिन बाकी का कहना था कि ये जानकर उनका कोई फायदा नहीं होने वाला और उन तीनों को बचकानी हरकतों ही सूट करती हैं। जिसके बाद एक शानदार लग्जरी गाड़ी उनके स्कूल के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से अंडरग्राउंड फाइट एरिना के बादशाह मित्सुनारी टोकुगावा बाहर आता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में टोकुगावा की काफी इज्जत थी। बाकी के स्कूल का प्रिंसिपल इतनी बड़ी हस्ती को देखकर पागल हुआ जा रहा है। तभी ऑफिस में बाकी के कदम पड़ते हैं और टोकुगावा उसे देखते ही उछल पड़ा, क्योंकि वो खास उसी से मिलने आया है। बाकी उसे कुछ खास भाव नहीं देता और उसे बूढ़ा आदमी भी कहता है। मित्सुनारी बाकी के सामने नाइट्रोग्लाइक्सिन का एक बॉक्स रखता है, जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, लेकिन 100 साल पहले तक वो लिक्विड हुआ करता था। एक दिन वियना से लंदन की शिप में भारी मात्रा में ग्लाइसरीन क्रिस्टल फॉर्म में बदल गई, और उस दिन के बाद पूरी दुनिया में कहीं लिक्विड ग्लिसरीन नहीं मिल पाई। मित्सुनारी के हिसाब से ये एक संयोग है। मित्सुनारी उसे कुछ और संयोग के बारे में जानकारी देता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जेल में एक मुजरिम के फांसी दी जा रही थी, लेकिन उस मुजरिम से ज्यादा डरी हुई तो वहाँ की पुलिस फोर्स थी, क्योंकि वो मुजरिम और कोई नहीं बल्कि डॉरियन था, जो दिखने में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। मरने से पहले डॉरियन हार का स्वाद चखाना चाहता था, और उसकी फांसी पूरी होने के बाद छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती थी, इसलिए जैसे ही डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है तो डॉरियन खड़ा होकर एक एक को मौत की नींद सुला देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। स्कॉटलैंड में डॉयल को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है, ताकि वो उस हार का मजा जी भर के ले सके, जैसा वो हमेशा से लेना चाहता था। जिसके बाद उसे इतना तेज इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है कि उसकी एक एक नस कांप उठती और उसका पूरा शरीर धुआं छोड़ने लगा। लेकिन ये डॉयल की नहीं, उन ऑफिसर्स की मौत का टाइम था। डॉयल ने अपने जाने के इंतजाम पहले ही किया हुआ था। इसी तरह रशिया की 100 मीटर नीचे की जेल से 100 किलो का मुजरिम भाग निकलता है, जहाँ से किसी पक्षी से निकलना भी नामुमकिन था, और इतनी ठंड में तो जेल के बाहर का माहौल भी नरक से कम नहीं था, और इस तरह का नामुमकिन काम सिरियोस्की की कर सकता था। जब सभी ऑफिसर्स को गारलैंड की दर्दनाक मौत की खबर मिली तो उन्हें पता लगा कि ये भी सिरोशी का काम ही होगा, जो अब हार का मजा चखने अपनी मंजिल टोक्यो की ओर निकल चुका था। आगे बढ़ते हुए हम एक और जेल में पहुंचते हैं, जहां एक काउंसलर स्पेक का इंटरव्यू लेने आया है, लेकिन उसे गलतफहमी की मुसीबत में उसके कराटे ब्लैक बेल्ट उसका साथ देगी। जब ऑफिसर ने उसे पिछले इंटरव्यू का कुचला हुआ चेहरा दिखाया तो उसकी धड़कनें तेज और रोंगटे खड़े हो गए, और डर के मारे उसने अपनी बेल्ट भी निकाल दी। स्पेक के रूम में किसी भी मेटल की चीज ले जाना सख्त मना है। स्पेक के पास जाने से पहले उस काउंसलर को बार बार संभल कर रहने के लिए कहा गया था, ताकि वो भूल जाए कि वो कराटे ब्लैक बेल्ट है, क्योंकि जिस काउंसलर के चेहरे का स्पेक ने खाटी रोल बनाया था वो खुद एक नेशनल रेसलिंग चैंपियन था।
जैसे ही काउंसलर ने उसके रूम में देखा, उसकी हालत और पैंट दोनों ढीली हो गई, क्योंकि स्पेक ने छुपकर हमला किया और काउंसलर की गर्दन तोड़कर उसका सोने का दांत बाहर खींच लिया और जाते हुए कहा कि अब उसे टोक्यो जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हार वहां उसका इंतजार कर रही है। सब मरीन के 500 मीटर नीचे होने के बावजूद स्पेक आसानी से बाहर आ गया। उसकी शतानी हंसी उसके इरादों को बयान करती थी। आखिर में रियुको इनागी को बुलेट प्रूफ शीशों में कैद दिखाया जाता है, जिसके पास एक ऐसी जहरीली गैस है जिससे उसने एक दर्जनों इंसानों को मौत के घाट उतारा था। जैसे वो खड़ा हुआ, गार्डोस ने उसकी ओर बंदूक तान दी, लेकिन रियुको की हंसी उन्हें याद दिलाती है कि वो शीशे बुलेट प्रूफ है। डर के मारे गार्ड्स की हालत खराब हो रही है। अचानक रियुको कांच पर हाथ रखकर वैक्यूम बनाकर उसे तोड़ देता है और पलक झपकती अपनी जहरीली गैस से उन गार्ड्स को बद से भी बदतर मौत दे देता है। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि उन पांचों को निशाना सिर्फ टोक्यो ही नहीं बल्कि वहां मौजूद बाकी है। बाकी उसकी इन बातों को आपस में नहीं जोड़ पाता, लेकिन मित्सुनारी को पूरा विश्वास है कि उन पांचों को निशाना बाकी ही है, क्योंकि वो सभी कॉम्बैट फाइटर्स हैं जिन्हें लड़ने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। वो सभी क्रिमिनल अंडरग्राउंड की मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। बाकी को लगता है कि मित्सुनारी सिर्फ राय का पहाड़ बना रहा है। अगले दिन किकबॉक्सिंग की कला में माहिर जाबाज रॉबिन्सन को जॉगिंग करते दिखाया जाता है, जहां डॉयल उस पर इतनी तेजी से अखबार फेंकता है कि जैसे उसकी धार से रॉबिन्सन के चेहरे से खून बहने लगता है। रॉबिन्सन एक तरफ तो डॉयल को अपनी जान बचाने की सलाह देता है, वहीं उसके खुद का रोम रोम डर के मारे कांप उठता है। जैसे ही उसने डॉयल का ब्लेड से भरा कॉलर पकड़ा, उसके हाथ से खून की धारा बहने लगी, जिसे रोकने के लिए डॉयल ने अपने कोने में फंसे ब्लेड से उसकी गर्दन में इतना गहरा कट मारा कि रॉबिन्सन ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। बाकी के स्कूल के बदमाश उसे मजा चकाने के लिए कुछ नमूनों को पकड़कर लाते हैं, जिनमें एक छुरीबाज, हंटरबाज और एक तलवारबाज भी है, जिन्होंने बाकी को मारने की सुपारी ली है। बाकी को खुले मैदान में बुलाने एक लड़के को भेजा जाता है, जहां सभी गुंडों से हारता हुआ देखने को बेताब थे, लेकिन तलवारबाज देखते ही समझ जाता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है, इसलिए उसे मारने के पहले ही वो हार मान लेता है। इतने में दूसरा आदमी उसकी ओर अपना हंटर फेंकता है, लेकिन बाकी के लिए वो खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं था। जब चाकू लेकर तीसरा आदमी अपने रफ्तार से उसे डराने की कोशिश करता है, तो उसे भी शर्मिंदा होना पड़ता है, और ये सब देखकर उसके स्कूल का बदमाश उस पर बंदूक तान देता है, और शायद पहली बार उसने बाकी को इतना हैरान देखा, इसलिए उसे लगता है कि उसका काम बनने लगा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल में बाकी की नजरों के सामने खुद स्पेक खड़ा था, जिसके बाद स्टोरी हमारा ध्यान जापान की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ओर ले जाती है, जहाँ उन पांच खतरनाक कैदियों की बात चल रही है जो जेल तोड़कर टोक्यो की ओर बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि स्पेक ने टोक्यो में गाड़ी को अपने हाथों से मरोड़कर रख दिया, मतलब वो यहाँ पहुँच चुका है और इस वक्त बाकी के ठीक सामने खड़ा है। स्पेक बाकी के क्लासमेट से गन लेकर अपनी गालों के आर पार कर लेता है, लेकिन ये देखकर उस लड़के की पैंट गीली हो गई। स्पेक ने बाकी हनमा के बारे में सुना था और वो सबसे पावरफुल टीनेजर है, इसलिए वो उसके हाथों हार का स्वाद चखना चाहता है। जब बाकी ने उससे हाथ मिलाया तो एक कटा हुआ हाथ जमीन पर गिर जाता है। स्पेक के मुताबिक वो हाथ बाकी के किसी करीबी का ही है। अचानक स्पेक बाकी को जोर से किक मारता है, जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर इस कटे हुए हाथ के ऊपर उसका चेहरा रखकर मसल देता है। स्पेक की गुंडागर्दी देखकर आसपास के लोग पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ ही मिनटों में पुलिस उसे कब्जे में ले लेती है, लेकिन कब तक वो सोचने वाली बात है। जाने से पहले स्पेक बाकी को अलविदा कहता है और फिर से एक बार हाथ मिलाते हुए कहता है कि हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी, और फिर से उसमें एक जोरदार लात मारता है और खुशी खुशी पुलिस के साथ चल देता है। स्पेक और उसके जैसे साथियों के टोक्यो आने की खबर कोई बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, जो दिखने में काफी मस्कुलर स्ट्रांग है। वो उन सभी कैदियों के भागने की घटना को एक साथ पिरोने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही FBI भी साथ मिलकर उन्हें पकड़ने का प्लान कर रहे हैं। ये इंसान युजिरो हनामा है, जो बाकी हनामा का फादर है। युजिरो हनामा दुनिया की किसी भी आर्मी से बिना हथियार अकेले निपटने का दम रखता है। दुनिया के सभी पॉलिटिशियंस, फाइटर्स उससे डरते हैं। कुछ देर बाद यनाबी और शिबुकावा के बीच एक गर्मा गर्म बातचीत होती है। गोगी शिबुकावा शिबुकावा स्टाइल जिदुत्सु का फाउंडर है। 70 साल और छोटी हाइट के होने के बावजूद शिबुकावा की टेक्निक कितने भी ताकतवर इंसान को ढेर कर सकती है। वो एक जीता जागता महायोद्धा है, जिसे लेजेंड कहना भी गलत नहीं होगा।
जब शिबुकावा यनाबी को एक चैलेंज देता है तो यनाबी उसके ऊपर गर्मा पानी की केतली उछाल देता है और अपने इस हरकत को जीत समझता है। वहीं स्पेक जेल की हवा और खाने को एंजॉय कर रहा है। सभी ऑफिशियल चाहते कि उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक शैतान है। जब इंस्पेक्टर टॉयलेट में जाता है तो स्पेक को अपने साथ खड़ा देख हक्का बक्का रह जाता है। इंस्पेक्टर के पूछने पर स्पेक बताता है कि वो सुपरमार्केट से चाइनीज बंस लेने गया था और दो बन वो उसे भी दे देता है, लेकिन इंस्पेक्टर उस पर हमला करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है। ये जरूरत देखकर स्पेक अपनी काइंडनेस को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाता। असल में स्पेक ने बंस के लिए स्टोर के मालिक को दर्दनाक तरीके से मार डाला, जिसके बाद मार्शल आर्ट्स क्लास में कत्सुमी ओरुकी को दिखाया जाता है जो शिन शिन की कॉम्बैट कराटे का फाउंडर है। साथ ही किकोई रित्सु भी वहां मौजूद होता है और कत्सुमी का ओपोनेंट है जो चाइनीज केनपो में आज की दुनिया का बेस्ट फाइटर है। वो चैंपियन बाकी को भी कई बार हरा चुका है। उन दोनों के बीच एक दमदार लड़ाई होती है और इस भिड़ंत में मात्र एक पंच से जीत निश्चित होती है काइतो की। कत्सुमी घोषणा करता है कि आज से भी वो पुराने केनपो को सीखना शुरू करेंगे क्योंकि वो एक 4000 पुरानी चाइनीज टेक्निक है। तब एक अनजान मेहमान महफिल का हिस्सा बनने आता है जो कि डोरियन है। डोरियन सीधे अंदर घुसा चला आता है और ओरोची के बारे में पूछता है। कत्सुमी को ओरोची का जूते पहनकर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए डोरियन जूते उतारने का बहाना बनाकर धोखे से उसके मुंह पर जोरदार किक मारकर उसकी आंखें भी फोड़ देता है। जब कत्सुमी उसका जवाब देता है तो डोरियन अचानक एक लकड़ी की सिल्ली उसके गले पर मारकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। जब डोरियन को पता लगा कि वो एक ओरोची है तो वो वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन काइटो के रहते डोरियन इतनी आसानी से कैसे निकल सकता था। जब उसने डोरियन को रोका तो उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। इसी बीच डोरियन ने अपने मूंछ का बाल तोड़कर काइयो की आंख को निशाना बनाना चाहा, लेकिन उसे करारा जवाब भी मिला। डोरियन ने उसकी तारीफ करते हुए शराब की बोतल निकाली और पीकर अपने चारों ओर फैलाकर उसे चकमा देने की कोशिश की ताकि वो अपनी अगली चाल चल सके और आग लगाकर वहां से छूमंतर हो गया। आज बाकी हनामा के स्कूल में फिटनेस टेस्ट है और जिसमें 100 मीटर की रेस, सॉफ्ट बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप होगी। ये पहली बार है कि बाकी इस तरह के टेस्ट का हिस्सा बन रहा है। जैसे ही उसके पीटी सर अपनी सीटी बजाते बाकी सबसे लास्ट में दौड़ना शुरू करता है और जमीन में होल कर देता है। ये तो बस शुरुआत थी। बाकी ने बॉल को हवा में इतना ऊंचा उछाल दिया कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और लॉन्ग जंप में बाकी ने खड़े खड़े जंपिंग स्लॉट को ही पार कर दिया। मजेदार बात तो ये थी कि उसके सर तारीफ करने की जगह उसे अंदर कूदने को कहते हैं ताकि वो मेजरमेंट ले सकें। जब चिनअप्स की बारी आई तो बाकी ने एक सेकेंड में अपना सेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन किसी ने उसे करते हुए नहीं देखा क्योंकि वो बहुत तेज कर रहा था, इसलिए उसके सर उसे स्लो करने के लिए कहते हैं। जैसे ही बाकी बार पर लटकता उसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। इस बार ये सर की बर्दाश्त के बाहर था क्योंकि बाकी पहले काफी नुकसान कर चुका था। बाकी थी 1500 मीटर की रेस। जब बाकी सर से उस रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछता है तो सभी बच्चों की हंसी निकल जाती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 3:26 का था, लेकिन किसी को बाकी पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर सर उसके बाकी राउंड्स में भी पास कर दें। एक बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ये रेस शुरू होती है। सभी बाकी की बॉडी देखकर हैरान है। स्टार्ट होती बाकी की रफ्तार देखने लायक होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा था। पहले राउंड में ही उसने 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसे देखकर सर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो ऐसा कर कैसे सकता है, लेकिन अचानक बाकी के पैर में मसल क्रैम्प आ जाता है और वो उसकी स्पीड कम होने लगती है। बाकी हनामा हमेशा से अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देता था। उसने आज तक एरोबिक में अपना हाथ नहीं अजमाया। बाकी हनामा को लग रहा था जैसे वो अपने साथ 100 किलो वजन खींच रहा हो। कैसे भी करके बाकी अपनी रेस कंप्लीट करता है, इसलिए सर उसे पास कर देते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है कांजी गारी की, जो मित्सुनारी और नए जोड़ो चैंपियन के साथ डिनर एंजॉय कर रहा है। कांजी एक जाना माना रेसलर है और उसने बाकी को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन फाइनल राउंड में उसे हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा। कांजी हमेशा से नए प्लेयर्स को कच्चा नींबू समझता है, लेकिन नए खिलाड़ी को कहना था कि अगर उसका अपोनेंट और प्राइस मनी उसके सामने है तो वो जरूर लड़ेगा, बेशक उसे इस वक्त क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन मित्सुनारी के टूर्नामेंट्स में प्राइज मनी ना होने के बावजूद भी प्लेयर्स इज्जत और नाम कमाने के लिए डरने को तैयार रहते हैं। अचानक उनकी महफिल में कबाब की हड्डी बनता है 5 योद्धाओं में से एक सीरियोस की, और आते ही उस नए खिलाड़ी के चेहरे पर इतने छेद करता है कि वो गिन भी नहीं पाता। सीरियोस्की के नकल्स दुनिया की शार्पेस्ट तलवार से भी तेज थे।
उसके मुंह को आलू की तरह छीलकर सिरियोस्की कहते हैं कि अगर जो खिलाड़ी सिर्फ मैच में ही लड़ सके वो मार्शल आर्ट्स फाइटर के नाम पर धब्बा है। सिरियोस्की मित्सुनारी से अकेले में बात करना चाहता था लेकिन कांजी अपनी ईगो को नहीं संभाल पाता और उसके मुंह की तरफ पंच मारता है। लेकिन सिरियोस्की की अगिलिटी स्टेमिना के आगे कांजी तो बच्चा है। उसके उठते ही सिरियोस्की उसके मुंह पर पहले ड्रॉप किक मारता है, फिर अपने धारदार नकल से उसके चेहरे को पिज्जे की तरह स्लाइस कर देता है और कहते कि बिना स्टेज के प्रो रेसलर्स नामर्द होते हैं। मित्सुरागी सिरियोस्की को अपने साथ फाइटिंग एरिना में लाता है जहाँ सिरियोस्की सूखे खून की स्मेल को महसूस कर सकता है। उन दोनों की बातों के बीच उन्हें किसी के आहट सुनाई देती है और कुछ ही देर में मित्सुनारी की आंखों के सामने वही पांच खतरनाक फाइटर्स होते जो टोक्यो की ओर निकले थे। उन सभी के गंभीर चेहरे मित्सुनारी को झकोर कर रख देते हैं। जब वो उनसे डरते हुए कोलोसियम का मालिक होने के नाते यहाँ आने का रीजन पूछता है तो डॉरियन बताता है कि अगर तुम हमें घुसपैठिया समझते हो तो सुनो, मुझे यहाँ की स्मेल काफी पसंद है और ऐसी लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स की रिंग से दूर आखिर कोई मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट कैसे रह सकता है। डॉयल का कहना था कि वो यहाँ असली फाइटर से लड़ने आया है ना कि नमूनों से, इसलिए मित्सुनारी को भी इच्छा पूरी करने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। जब वो पांचों आपस में लड़ने की सोच रहे होते तो अचानक बाकी की मीठी आवाज उन्हें कानों पे पड़ती है। होशियारी मारते हुए कहता है कि उसे कल जल्दी स्कूल जाना है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करना होगा। उसके ये अल्फाज सभी के कान खड़े कर देते हैं। लेकिन बाकी हनामा अकेला नहीं है, डोपो और शिबुकाबा भी साथ में है। डोपो ओरोची शिन कराटे का फाउंडर है जिसे गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं। क्राओ हनामा 15 साल की उम्र से हनामा ग्रैंड का लीडर होने के साथ साथ जापान का बेस्ट स्ट्रीट फाइटर भी है। दरअसल रिसेंटली इसी अरीना में 38 इलाइट फाइटर्स के बीच एक मैच हुआ था जिसे जापानीज हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंपटीशन कहना गलत नहीं होगा और उसका विजेता था वन एंड द ओनली बाकी हनामा। मित्सुनारी कहता है कि उसने उन पांचों के टॉप 5 ना होते हुए भी यहां बुलाया क्योंकि सिरियोस्की की बात में कोई शक नहीं है कि रियल फाइट्स और कॉम्बैट टूर्नामेंट में जमीन आसमान का फर्क है और किसी भी मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट को लाइफ में होने वाली हर बैटल के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। उनकी हार को चखने की इच्छा ही उनका यहाँ टॉप रेसलर्स के सामने खड़ा होने का कारण है। बाकी को एनी टाइम एनी वेयर फाइट वाली बात कुछ हजम नहीं हुई लेकिन सभी बच्चे लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मार्शल आर्ट्स डेली लाइफ चैलेंजेस के लिए बनी है। शिबुकावा कहता है कि इस मुकाबले में कोई रूल नहीं होगा, बस सामने वाले को नरक का एहसास करवाना होगा चाहे आप खा रहे हो या सो रहे हो। इसी मैच की शुरुआत अभी से होगी। किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी जगह बस हराने के बारे में सोचना ही इस मुकाबले का एकमात्र रूल है। सिरियोस्की सोचते हुए बाहर आता है कि उसका पहला ओपोनेंट कौन होगा। डोपो डॉरियन का पीछा करता है जिससे वो उसे फ्रस्ट्रेट करके लड़ने के लिए मजबूर कर सके। तभी डॉरियन के सामने खुद रेत्सु आ खड़ा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर डोपो डॉरियन के मुंह पर सामान दे मारता है और उसे एक जोरदार किक का स्वाद चखाता है। डॉरियन ने फिर से वही चाल चली और फिर ड्रैगन की तरह उस पर डोपो पर आग उगल दी। लेकिन डोपो को रोटेशन डिफेंस सिर्फ आग को ही नहीं बल्कि किसी तीर गोली और मिसाइल को भी रोक सकता था। उनकी लड़ाई कंटिन्यू रहती है और सिरियोस्की को दिखाया जाता है कि जिसके सामने कांजी अपने घायल चेहरे के साथ खड़ा हो जाता है। उसका ईगो अभी शांत नहीं हुआ इसलिए वो सिरियोस्की को सबक सिखाने के लिए दो भाड़ी के टट्टू अपने साथ लाता है जो अपनी हल्की फुल्की बॉक्सिंग का प्रदर्शन करके सिरियोस्की के मुंह पर पट्टी बांध कर उसके चुप करा देते हैं। सिरियोस्की की हालत देखकर कांजी का ईगो शांत होता है लेकिन सिरियोस्की की शांत मुस्कान बता रही है कि उसके मन में अलग ही प्लान चल रहा है। दूसरी ओर डॉरियन ने एक तेज धारदार वायर से डोपो के हाथ उसकी बाजू से अलग कर दिए जो सीधा जमीन पर गिर जाता है। ये सीन इतना डरावना था कि बाजार में खड़े सभी लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। डॉरियन एक मॉडर्न किस्म का इंसान है जिसका मानना था कि किसी भी इंसान को अपनी स्किल टाइम के साथ बेहतर करनी चाहिए। जिस तरह लोग डेली लाइफ में साइंस का यूज करते हैं उसी तरह फाइटर्स को खुद को भी टाइम के साथ ढालना चाहिए। जो वायर डॉरियन ने इस्तेमाल किया वो टंगस्टन मेटल के बने ब्लेड से भी दुगना शार्प वायर है जिसके इस्तेमाल से जादूगर चीजों को हवा में लटकाते हैं और टंगस्टन से ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं। इसलिए डोपो इरोची को पता भी नहीं लगा और वो अपना हाथ खो बैठा। डोपो भी मानता कि मॉडर्नाइजेशन काफी जरूरी है लेकिन डोपो इरोची बचपन से अपने हैंड्स को मजबूत करने की ट्रेनिंग करता आ रहा है। उसने हजारों बार अपनी उंगलियां और हड्डियां तुड़वाई हैं। वो जानता था कि एक दिन उसके बिना हाथ के लड़ना पड़ेगा और इसी दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था। डोपो डॉरियन के चेहरे के बीचों बीच अपना कटे हुए हाथ से इतनी तेज स्ट्राइक करता है कि वो 10 मीटर दूर जा गिरता है
और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कांजी के चेले सियोस्की को जिम के बीच बांध देते हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि बाजी अब उनके हाथों में है। कांजी सोच रहा था कि उसके साथ अब क्या किया जाए, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उन तीनों के अगले पल क्या होने वाला है। कांजी के शूट करने के बावजूद सियोस्की उठ खड़ा होता है। फिर क्या था, सियोस्की अपने नकल से उसके चेलों की वाट लगा देता है और जो हालत करता है वो देखने लायक थी। अब क्या था, कांजी का ईगो उसके सर से उतर कर घुटनों में आ जाता है और वो सियोस्की को सामने खुद को कंप्लीट सरेंडर कर देता है और कहता है कि सियोस्की की स्ट्रेंथ स्टैमिना और पावर का सामने वो तो क्या उसका पूरा खानदान मिलकर नहीं कर सकता। इसलिए सियोस्की जीता और वो हारा। कांजी अपनी नाक रगड़कर उसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन सियोस्की अपनी इस बेइज्जती को कैसे भूल जाता। उसने सबसे पहले कांजी के मुंह पर जोरदार लात मारी, जिसके बाद कांजी इतना घबरा गया जैसे उसके सामने साक्षात अमराज आ गए हों। सियोस्की उसका घमंड का नकाब उसकी मौत के साथ उतारना चाहता है, इसलिए उसने कांजी पर डंबल्स की बरसात कर दी, जिससे वह मौजूद हर चीज उसके खून से लथपथ हो गई और आखिर में सियोस्की ने उस पर पेशाब किया और उसकी वो हालत की जैसे कोई अपने दुश्मन की भी ना करता। अगले दिन बाकी अपने दोस्त कुजाओ मिशिमोत्सु के साथ डेट पर आ गया, जो उनके मकान मालिक की बेटी है और उन लोगों में से है जो बाकी को सबसे करीब से जानते हैं। दरअसल उन दोनों के मन में हमेशा से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स को मन में ही दबाए रखा। जो बात सालों पहले बाकी को उसको कह देनी चाहिए थी, वो आज उसने कजाओ को बता ही दी। उनकी उन प्यार भरी बातों को किरकिरा करने कुछ लफंगे आ धमकते हैं और बातों को घुमाते हुए अपना असली रंग दिखाकर पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें बाकी का चेहरा और उसकी लाल आंखें देखी तो समझ जाते कि उन्हें कल्टी हो लेना चाहिए और उसी में उसका फायदा होगा। वो तो शुक्र हो ऊपर वाले का तो जो कजाओ बाकी के साथ है। बाकी और कजाओ वहाँ से निकलकर पूरे शहर में घूमते हैं और एक दूसरे की कंपनी को काफी इंजॉय करते हैं। और कुछ देर चलने के बाद कुजो बाकी को फिर से याद कराते कि उसे बाकी का रेसलिंग मैच में अपनी जान की बाजी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक दिन जब बाकी का मैच था तो कुजो भी उसके साथ देने वहाँ आई थी और उस दिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बाकी से कुछ कहना चाहती है। कुजो एक इमोशनल लड़की है, वो जानती थी कि एक रेसलर के लिए उसकी जीत और टाइटल जान से ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन हर फाइटर के पीछे उसके माँ बाप, उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी होते हैं और जब किसी रेसलर को चोट पहुंचती तो दर्द उसके अपने को सहना पड़ता है। जिसके बाद बाकी उसे किस करता और बताता है कि अब मैंने जो अपने लिए रास्ता चुना है वो दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है, लेकिन सालों साल सैकड़ों कंपटीशन खेलने के बाद बाकी समझ चुका था कि अब यही उसकी जिंदगी है और ये बात बाकी ने आज तक किसी से नहीं कही थी। पार्क में कजो पूछते कि तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो, तो बाकी बताता कि उसकी मॉम के बाद कजो उसकी जिंदगी का हिस्सा है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और किस करने लगते हैं। उनके पीछे स्पेक्ट खड़ा सब कुछ देख रहा था और इससे पहले वो इस मूवमेंट को बिगाड़ता हनायामा आकर उसका जबड़ा कसकर पकड़ कर उसे कोने में ले आता है। स्पेक्ट हनायामा को बच्चा समझकर उसे चिढ़ाने लगता है और उसके मुंह पर जोरदार किक मार के उसकी नाक से खून के फरारे छुड़ा देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्पेक्ट को अच्छी शुरुआत मिली है, बल्कि जब हनायामा ने अपने कपड़े उतारे तो उसके गठीले शरीर पर बने टैटूज और अनगिनत कट्स देखकर स्पेक की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। जब याकिची हनायामा उनके परिवार का मुखिया था तो अनजान समाज सेव ने उसके परिवार को गुंडों से बचाया था और मंदिर में उसकी मौत हो गई। ये टैटूज इसी कहानी को ट्रिब्यूट देते हैं। जब एक दिन कराओ हनायामा अचानक तोमिजावा हेडक्वार्टर्स अकेला जा पहुंचा तो उसने वहां दर्जनों लोगों की लाशें बिछा दी और वो दर्दनाक और खौफनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे उसके खुद के साथी। लगता है कि स्पेक को ये कहानी कुछ खास पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए उसने हनायामा पर तगड़े हाथों और जूतों से उस मारना शुरू कर दिया और उसका मुंह पकड़कर उसे एक लोहे के खंभे पे दे मारा। और जब स्पेक ने मौका दे तो एक बेंच उसके ऊपर जोर से फेंका जो हनायामा के पत्थर जैसे शरीर से टकराकर चकनाचूर हो गया। स्पेक को लगा कि शायद अब हनायामा उस पर हमला करेगा क्योंकि वो पोजीशन ले चुका था। स्पेक ने अपने हाथ आए लोहे के टुकड़े को फेंक दिया और कहा कि अगर वो कोई हथियार इस्तेमाल करेगा तो ऐसा करना अपना अपोनेंट पर दया करने के बराबर होगा, इसलिए स्पेक उसके टुकड़े खुद हाथों से करेगा। तभी हमारे सामने आजादी की मूर्त स्टैचू ऑफ लिबर्टी आती है, जहां एक पुलिस वाले ने एक बड़ा पेपर के टुकड़े चिपका हुआ देखा, लेकिन जब हटाया तो क्या देखा, स्टैचू की बेसलाइन पर कोई मॉन्स्टर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके निकल गया है, जिसकी वजह से विशाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी चटकने लगा। वो गार्ड जितनी जल्दी हो सके मदद के लिए फोर्स बुलाता है
और सिक्योरिटी मिनिस्टर और उसके साथ आए कुछ दमदार फौजदार एक फुट मोटी मेटल रॉप से बांधकर स्टैचू को गिरने से फिलहाल के लिए तो बचा ही लेते हैं, क्योंकि मिनिस्टर का कहना था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नुकसान उनके मान सम्मान पर आई नाच के बराबर है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि बिना किसी हथियार के कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये काम स्पेक का ही था जो फिलहाल हानायामा पर अपने इंच 25 की बौछार कर रहा था। इस टेक्निक को एपनिया रश कहा जाता है, जिसमें कोई अपनी सांस रोककर लगातार हमला करता है और सामने वाले के लिए हिलना भी नामुमकिन हो जाता है। और स्पेक की तो स्पेशलिटी उसकी सांस रोकने की क्षमता ही थी, लेकिन इस बार उसका पाला कौरव हानायामा से पड़ा है, जो उसके इसी कॉम्बो का चकनाचूर करते हुए उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे स्पेक चार कोस दूर जा गिरता है। स्पेक का मुकाबला करना किसी आम इंसान के सोच पर से परे था। पुलिस ने खास स्पेक से लड़ने के लिए 20 जाने माने ऑफिसर्स को चुना था और उन्हें स्पेशली ट्रेन करके सबसे मजबूत मेटल से बना आर्मर और हेलमेट दिया गया। ऊपर से नीचे तक उन सभी कमांडोज को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर और हथियारों से लैस करके स्पेक से लड़ने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ये तीसरी बार जो स्पेक जेल तोड़कर अपनी मर्जी से भागा था। ऑफिसर को उसका जेल को धर्मशाला समझाना कतई पसंद नहीं था, ये सबसे सुरक्षित और मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम की शान के खिलाफ था। लेकिन वो वीडियो जिसमें स्पेक ने सभी कमांडोज को मच्छरों की तरह मसल दिया, ऑफिसर की फ्रस्ट्रेशन और ब्लड प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं पार्क में हानायामा स्पेक की हालत खराब कर रहा है और वो उसे उठाकर किसी धोबी की तरह पटक रहा है। हानायामा स्पेक को तब तक घुसीटता रहता है जब तक वो अपने मुंह से मना नहीं कर देता, लेकिन स्पेक चालाकी से उसके मुंह में बुलेट्स डालकर जोर से उसका मुंह बंद कर देता है और जोर से धमाका होता है जिसकी आतिशबाजी दूर दूर तक देखी जा सकती है। इस धमाके से हानायामा का चेहरा किसी जॉम्बी जैसा दिखने लगा, लेकिन वो अब भी लड़ने का दम रखता है और स्पेक को जोरदार पंच मार के बिजली के खंभे पर चिपका देता है। ऑफिसर को जैसे ही स्पेक की खबर मिली वो बिना रुके भागकर बाहर आया और स्पेक का वो हाल देखा जो शायद उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंस्पेक्टर समझ गया कि स्पेक ने चुराई हुई गोलियों का इस्तेमाल कर लिया है। हानायामा की जीत पर इंस्पेक्टर काफी खुश है, इसलिए वो उसे VIP ट्रीटमेंट के लिए भेजने का फैसला करता है और अपने एक सिपाही सुनियो काटिहारा को उसके साथ भेजता है। हानायामा की गाड़ी में बैठने के बाद सुनियो ने जो देखा वो अगले दिन सभी को डिटेल में बताता है। कल शाम की एक एक डिटेल सुनियो के मन में पत्थर की लकीर की तरह छप चुकी है, जिसे वो कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। असल में कल की शाम मौत की शाम के बराबर थी, क्योंकि स्पेक को जितना कमजोर समझा जा रहा था वो उससे कई गुना स्ट्रांग और जिद्दी था। स्पेक ने सभी ऑफिसर्स की जान लेने के बाद हानायामा को रोकने के लिए उसकी कार को खिलौने की तरह पलट दिया और उसके बाहर आते ही उसके जख्मी चेहरे पर बेरहमी से वार करने लगा। शायद उसने हानायामा को जिंदा छोड़कर गलती कर दी। जैसे ही हानायामा ने होश संभाला वो खड़ा हुआ और स्पेक ने उसके घुटनों को गोलियों से छलनी कर दिया और अपना असली रंग दिखाई दिया। स्पेक इस मैच को मौत का खेल बना चुका था और वो लगातार उसके दोनों घुटनों पर गोलियां बरसाता रहा। सुनियो को याद है कि स्पेक ने किस तरह वो गैप बनाया जिस वार से एक पत्थर को चकनाचूर किया जा सकता है और अपने पैर से हानायामा का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया। स्पेक का इन हमलों के दौरान सुनियो हानायामा की हड्डियों का चटकने की आवाज साफ सुन पा रहा था। सबको लग सकता है कि हानायामा की मौत अब तय है, लेकिन ऐसा सोचना भी उसकी काबिलियत की तौहीन होगी। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए स्पेक ने हानायामा के मुंह पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी, लेकिन आखिर कौन सोच सकता है कि हानायामा ने अपने घाव के इस्तेमाल से गोली को ही आर पार कर दिया, जिसके बाद वो एक बच्चे की तरह स्पेक की छाती पर बैठ गया और उसके कुछ करने से पहले हानायामा ने उसके मुंह में पंचिंग बैग बना डाला। उसका ये रौद्र रूप देखकर सुनियो के रोंगटे खड़े हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे ही हानायामा एक सेकंड के लिए रुका ही था उसने स्पेक की उंगली में एक पिन देखी और वो पिन थी एक स्टन ग्रेनेड की। एक स्टन ग्रेनेड अचानक से इतनी तेज रोशनी करता है कि सामने वाले की रोशनी के आगे अंधेरा छा जाता है। हालांकि बात कौरव हानायामा की ही थी, लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया और उसने अपना पंच भी मिस किया, जिसका फायदा उठाकर स्पेक उसके ऊपर आ गया और इस बार उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार अपने हाथों को इस्तेमाल करके हानायामा को चोक कर दिया। एक परफेक्ट चोक से बचने का तरीका आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन ये अफवाह थी कि हानायामा अपने हाथ से ताश की गड्डी को एक केक के पीस की तरह फाड़ सकता है। जब हानायामा का मैच यूरी चौकसी से हुआ था तो वो दिन उसका रिंग में आखिरी दिन था, क्योंकि ये खबर मिली थी कि हानायामा ने उसके हाथ को खींचकर दो हिस्सों में चीर दिया था और उसने ठीक ऐसा ही स्पेक के साथ भी किया। हानायामा की नेक्स्ट लेवल ग्रिप स्ट्रेंथ ने स्पेक की स्ट्रेंथ को छीन लिया,
ये दिखने में जितना भयानक लगता है उससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक भी है। इसी दर्द से कहराते हुए स्पेक ने अपनी मिडिल फिंगर हनायामा के कान के जरिए उसके भेजे में घुसा दी और हनायामा के हाथ में उसकी गर्दन थी और गर्दन को जोड़ने की सर्जरी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। अपने दोनों घुटने खोकर और इतने दर्द में होने के बाद भी हनायामा ने खड़े होकर अपनी जीत का ऐलान किया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में जहां स्पेक वेंटिलेटर पर आराम फरमा रहा है, डॉक्टर बताते कि जब वो यहां आया था तो करीब 50 साल का लग रहा था, लेकिन इस वक्त स्पेक की बॉडी एज 97 साल के बुड्ढे से कम नहीं है। असिस्टेंट जानना चाहता है कि क्या इसका कोई इलाज है, तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी डिग्री में तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। फिर डॉक्टर एक कैलिफोर्निया में डूबी एक शिप के बारे में बताते हैं जिसे जैकली बिनोदी ने 1976 में 30 साल की तलाश के बाद खोजा। इसका नाम सन क्रेज शिप था जो 1874 में डूबी थी। उस शिप के अंदर करीब 1600 करोड़ के जेवरात निकले। जब जैकली का इंटरव्यू किया गया तो उसने बताया कि खजाने को देखते ही उसने इजैकुलेट कर दिया था। पहले तो इस बात को हंसी में दबा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जैकली इस दुनिया से चल बसा। सबको लगा कि ये मर्डर है क्योंकि अचानक फेमस हुए इंसान से चिढ़कर ये कोई भी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर्स ने पता लगाया कि उसकी मौत का कारण उसकी अचानक बढ़ती उम्र थी। जैकली एक नौजवान होकर भी अचानक बुढ़ापे से इसलिए मरा क्योंकि असल में वो एक बुढ़ा इंसान था जो जिंदगी के हर पल को एंजॉय करता था, लेकिन जिस दिन उसका सपना पूरा हुआ उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी जो उसकी जीने का इच्छा बनी। लेकिन स्पेक का केस तो अलग था, उसे यहाँ हारने के बाद लाया गया था। आज बाकी का एग्जाम भी है लेकिन पेपर देखकर उसकी आंखें बंद हुई जा रही हैं। बाकी के टीचर आकर उसे डांटते और जलील करना शुरू कर देते हैं। वो बाकी को पढ़ाई लिखाई छोड़कर ओलंपिक्स में जाने की सलाह देते हैं। फिर उसके टीचर ब्रेन पावर पर लेक्चर देना शुरू करते हैं। उनका मानना था कि सिर्फ शारीरिक ताकत से बाकी ना तो गाड़ी से तेज चल सकता, ना ही खाई से कूद सकता है और ना ही बिना सीढ़ियों के क्लास में आ सकता है। लगता है सभी उनके इस बर्ताव से नाखुश है और पक चुके हैं। तभी अचानक एंट्री होती है डॉयल की, जो ग्राउंड से सीधा सेकंड फ्लोर पर आकर खड़ा होता है और सर की बात को गलत साबित कर देता है। डॉयल बाकी को बताता है कि उसने खिड़की से आकर टाइम बचाया जिस टाइम में उसकी चटनी बनाएगा, और किसी की एक ना सुनते हुए दादागिरी शुरू कर देता है। बाकी ने पहले उसे रोकर दिखाया, फिर चालाकी से उस पर हमला कर दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही डॉयल पोजीशन में आ जाता है, लेकिन डॉयल को उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी पसंद आया। बाकी 17 साल का होने के बावजूद बखूबी जानता था कि एक एरिना फाइट और असली फाइट में क्या अंतर है। जब तेज ब्लेड को उठाता तो बाकी और सभी स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। डॉयल बताना चाहता कि स्कूल जैसी जगह पर भी हथियारों की तरह यूज की जाने वाली चीजें मौजूद होती हैं। बाकी एक गहरी सांस लेता और खिड़की से नीचे कूदकर जितना जल्दी हो सके वहां से भाग निकलता है। बाकी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके दुश्मन स्कूल में आ धमकेंगे। उसे अपनी पहचान और जान दोनों बचाने के लिए भाग निकलना ही बेहतर समझा। स्कूल के गार्डन में घूमते हुए बाकी ने पहली बार वहाँ मालिक को देखा और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो माली उसके खून का प्यासा रॉयक्यो यानागी है जो बाकी पर पीछे से हमला करता है। यानागी अपने कोकेत्सु हथियार को इतना तेज घुमाता है कि बाकी को लगता है कि अब तो वो गया। उसका सामना करने के अलावा बाकी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। यानागी बाकी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस दोनों कोकेत्सु से एक साथ हमला करता है। बाकी खुश है क्योंकि वो फिलहाल जिंदा है। यानागी को उसके डॉज करने की काबिलियत पसंद आई। फिर वो दूसरे राउंड के लिए एक ब्लेड निकालकर बाकी को पकड़ाता है और इस बार कोकेत्सु को पिछली बार से भी तेज फेंकता है। यानागी का तेज हमला बाकी के हथियार के दो टुकड़े करके उसके टेंशन अब बढ़ा देता है। बाकी उससे जैसे तैसे बचते हुए अपनी शर्ट से उस हथियार को उसके हाथों से दूर कर देता है। अचानक कोई यानागी को आवाज लगाकर उसकी तरफ एक पानी से भरी केतली फेंकता है और यानागी की याददाश्त उसे वो दिन याद दिलाती है जब उसने ऐसा शिकुबावा के साथ किया था, लेकिन इस बार पानी और केतली दोनों ठंडे थे, लेकिन शिपुगावा के इरादे नहीं। उसने यानागी को एक हाथ से उठाकर जमीन में दे मारा। इसी बीच एक 87 साल के ओल्ड डॉक्टर जिनके पास 60 साल का डेंटिस्ट एक्सपीरियंस है, वो बताता कि किसी भी बड़े से बड़े एथलीट की स्ट्रेंथ उसकी बाइटिंग फोर्स पर डिपेंड करती है, और कुछ एथलीट्स ऐसे भी हैं जिनके दांतों की बनावट ही बिगड़ चुकी है, और एक केस ऐसा है जिसमें उसके मोलर्स बिल्कुल उसके गम्स में धंस चुके हैं, और वो मार्शल आर्ट्स एथलीट रियोको यानागी है जो एक ही वार में शिबुकावा के हाथ चीर देता है। बाकी समझ नहीं पाता कि उसने कैसे किया, लेकिन शिबुकावा जानता था कि सीक्रेट हथियारों के मामले में यानागी का कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता था, और इस बार उसने इस्तेमाल किया छत्रपति शिवाजी का पसंदीदा हथियार बागनाक
जिसका हार किसी बाघ के पंजे से भी तेज है। शिबू कावा ने उसे याद दिलाया कि अगले राउंड में उसे दो दुश्मनों को एक साथ मुकाबला करना होगा, और ये कहते ही बाकी और शिबू कावा उस पर टूट पड़ते हैं। जब बाकी उसे एक किक मारकर दूर फेंक देता है तो यानागी को विश्वास नहीं होता कि वो 17 साल के बच्चे से मार खा रहा है। अपनी स्ट्रेंथ से उनका सामना न कर पाते हुए यानागी अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। शिबू कावा बाकी को चेतावनी देता है क्योंकि यानागी को प्रिजनर भी कहा जाता है। यानागी इस बार बाकी से पूछता कि दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है। जरूरी नहीं है कि जो बाकी सोच रहा है वही सबसे खतरनाक है। क्या वो कार्बन मोनोक्साइड है, क्या यह साइनाइड है, लेकिन ये गैसेस तो सिर्फ इंसान की सांस को ही तोड़ती हैं। यानागी की ये बातें जैसे बाकी को हिप्नोटाइज कर रही थी, और जैसे ही उसने बाकी के मुंह पर अपना हाथ रखा तो कुछ ऐसा हुआ कि हमें हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़े, जहां एक 200 किलो का सुमो रेसलर डर के मारे कांप रहा होता है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि उसकी ये हालत एक 5 फुट के इंसान ने की है। जो गैस उसे यानागी ने दी थी वही उसने बाकी को भी दी। इसे अंदर लेते ही बाकी अपने होश को बैठा और गिर पड़ा। असल में वो गैस है ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अगर हवा में ऑक्सीजन 20% नीचे चली जाए तो अच्छे अच्छे पगला जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले के दिए शरीर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा 6% से कम हो जाए तो कितना भी तगड़ा इंसान 1 सेकंड में बेहोश हो सकता है, यहाँ तक कि कोमा में भी जा सकता है। इस गैस का इन्वेंटर खुद यानागी है। उसकी एक और खूबी है जिसमें वो इस गैस और अपने हाथों को इस्तेमाल से वैक्यूम क्रिएट करके मोती से मोती दीवार को तोड़ सकता है, और जो किसी इंसान की सोच से भी परे है। ये सब यानागी के सालों साल प्रैक्टिस के नतीजा है। उसने सैकड़ों लोगों को अपनी इस गैस से जिंदगी भर के लिए भी सुलाया है, इसलिए लोग उसे यानागी द प्रिजनर कहते हैं। अचानक पुलिस का सायरन सुनते ही यानागी शिबू कावा को टाटा कहकर निकल जाता है। आज की शाम सभी हीरोज मित्सुनारी के घर पर इकट्ठा होते हैं, जहां वो बाकी और दोपो को अमेच्योर्स बताकर उनकी हार का मजाक उड़ाते हैं। जब कंपटीशन की बात आती है तो छोटी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन इस तरह की फाइट्स में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मित्सुनारी बाकी से कहता है कि किसी भी बड़े कंपटीशन को जीतने का मकसद सिर्फ स्पॉटलाइट्स में आना और हीरो बनना नहीं होता, क्योंकि इस तरीके का माइंडसेट किसी के भी सर से चढ़कर उसकी परफॉर्मेंस और रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता है। अचानक हानायामा मित्सुनारी का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन मित्सुनारी से मारने की गलती कर देता है, और अपनी गलती छुपाने के लिए कहता है कि उनकी हार को लेकर वही सबसे ज्यादा दुखी है, और किसी से भी ज्यादा उसे उन पांचों पर भरोसा है। बाकी अचानक उठकर जाने लगता है क्योंकि उसे कल स्कूल जाना है, लेकिन गेट खोलते एक नए मेहमान के रूप में डोरियन उनके सामने खड़ा होता है, जो अपने साथ बाल्टी भर के गैसोलीन लाया है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मित्सुनारी के सभी गार्ड्स को डोरियन ने ऊपर का रास्ता पहले ही दिखा दिया, और जैसे ही उसने लाइटर ऑन किया तो उसे पता लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा था, और वो था कसुमी, जो डोरियन से अपना हिसाब चुकता करना चाहता था। इसलिए उसने डोरियन के इरादों पर गैसोलीन फेर दिया और लाइटर लेकर मौत की तरह उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया, और जलता लाइटर डोरियन के ऊपर फेंक कर सबके सामने उसे जिंदा जला देता है। डोपो को कसुमी का अंदाज पसंद आया, क्योंकि कसुमी ने आज तक किसी हथियार के इस्तेमाल करके फाइट को नहीं जीता, लेकिन कुछ लातों के भूतों को उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। किसी कराटे फाइटर को हथियार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके नकल्स, उसकी एल्बो, उसकी किक ही असली हथियार होते हैं। अगर कोई फाइटर बेल्ट शूज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फाइट से पहले उसके हाथ में किसी भी तरह की चीज उसकी कला के लिए डब्बा है। सभी को लगता है कि डोरियन की हालत सीरियस है, इसलिए जैसे ही सब उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने वाले होते हैं, डोरियन उठ खड़ा होता है और सारा धुआं अपने मुंह से उगलकर हंसने लगता है। और अब एंट्री होती है कियोशामी काटो की, जो शिन कराटे एकेडमी में मास्टर है। जब उसे डोपो के कटे हाथ के बारे में पता चला तो कांटो ने डोरियन को मुंह पर दमदार पंच मारकर उसे घुटनों के बल बिठा दिया और कहा कि डोपो और ओची एक हाथ किसी हीरे से ज्यादा मजबूत और महंगा है। और जब डोरियन ने कहा कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो उसने डोरियन के कान अलग कर दिया, वो भी अपने नए नायलॉन से बने हथियार से। लेकिन ये हरकत डोपो के उसूलों के खिलाफ थी। कस्टूमी काटो को अपना मास्टर बताता था क्योंकि काटो शिनशिन स्कूल के हिसाब से चलता था, ना कि डोपो के हिसाब से। अचानक डोपो ने शिनशिन की फिलॉसफी समझाने के लिए घायल डोपो पर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन कोई इस सीख को समझ नहीं पाया। तभी एक टंगस्टन वायर उड़ता हुआ आता है, जो काटो और कसुमी को लपेट देता है। असल में वो वायर डोरियन का ही है, जिसे डोपो अपने एक हाथ से काटकर उन्हें आजाद कर देता है। और डोपो को असली लेसन यही था कि प्रैक्टिस से अपने हाथों को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि जैसे वो किसी 200 केजी टेंसिल स्ट्रेंथ वाली वायर को आसानी से काट सके। कराटे का असली मतलब है एम्प्टी हैंडेड,
इसलिए किसी को भी कराटे में सस्ते खिलौने इस्तेमाल करके कराटे की इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहिए। इसी बीच डोरियन को कुछ होने लगता है। असल में वो अपने मुंह में छुपे बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहा था और कुछ ही सेकंड्स में मित्सुनारी का घर तबाह हो जाता है। जब इन्वेस्टिगेटर ने मित्सुनारी से पूछा तो उसने बताया कि कोई बेवकूफ उसकी छत से बॉम्ब गिराकर भाग गया और जैसे ही पुलिस को कोई सुराग मिले उसे जरूर बताए। कुछ देर बाद डोरियन को शहर में देखा गया। उसकी ये हालत देखकर हर कोई डरा हुआ था। डोरियन एक चुपचाप एक बिल्डिंग के कोने में घुसता है। वहाँ एक आदमी उसकी डरावनी हालत देखकर अपना होश खो बैठा और 9:11 हो गया। डोरियन आहिस्ते से गटर का ढक्कन खोलकर चुपचाप उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वो एक गटर नहीं था, वो एक सुरंग थी जो धरती के कई मीटर नीचे खुलती है। डोरियन ने वहाँ अपना छोटा सा अड्डा बनाया हुआ था। वो आराम से बैठकर अपना इलाज शुरू करता है, लेकिन कोई घुसपैठिया उसके इलाके में घुस जाते हैं और वो है चतुर चालाक काटो, जो अंदर आकर खुद को 30 मार का समझता है। लेकिन डोरियन काफी रिलैक्स दिख रहा है। बताता कि 50 साल पहले उसे यहाँ का पता मिला था जब वो टीनेजर था। अचानक कैटो डोरियन पर चलाकी से हमला करने की सोचता है, लेकिन वो भूल गया है कि आखिर वो अड्डा है तो डोरियन का ही। डोरियन अपनी पुरानी बियर की बोतलों के टुकड़े करता है, नहीं काटो को नचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ग्रीस की मदद से उन्हें अपने फीस्ट पर लगाने के लिए, और इन्हीं हाथों से वो काटो का हुलिया बिगाड़ने वाला है। लेकिन डोरियन एक मौका काटो को भी देता है जिससे दोनों के बीच आखिरी फैसला हो जाए। डोरियन ने काटो से अपनी हाथों पर ग्रीस लगाने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अपने अगले दाव में ही काटो को यकीन हो गया कि उसकी ये पत्रेबाजी डोरियन जैसे मॉन्स्टर के सामने नहीं चलने वाली। डोरियन ने उसके अपने पेने हाथों से उसके पैर में घाव कर दिया। ये एक खूनी और दर्दनाक बैटल की शुरुआत थी। कैटो ने चाल चलने के लिए अपने खून के छींटे डोरियन के मुंह पर मारे, लेकिन उसने बचते हुए कांच के टुकड़ों से काटो के चेहरे को छलनी कर दिया और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा। कैटो समझ चुका था कि उसे हर एक दांव पेच का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए वो तैयार था। कैटो ने हवा में उड़कर डोरियन पर एक के बाद एक अटैक्स किए, लेकिन डोरियन जैसे काम माइंडसेट इंसान के सामने फिजूली थे। डोरियन ने चालाकी से कांच की बोतल काटो के सर पर तोड़ी और बड़ी बेरहमी से उसी टूटे कांच से उसके चेहरे का बुरा हाल कर दिया। कैटो ने डोरियन से कहा कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है, जो तुम्हारा निशाना मेरी गर्दन के बजाय मेरे चेहरे पर था। अगर उसने ऐसा किया होता तो ये बाजी वो जीत चुका होता। जिसके बाद डोरियन एक इंग्लिश गाना गाने लगता है और अपना एक नाक के बाल तोड़कर उसकी आंख में घुसा दिया। और जब कैटो ने होश संभाला तो डोरियन उस पर इतनी तेज किक मारता जिस दीवार में जा लगता है। इसी बीच डोरियन का गाना जारी था, वो इस बैटल को एंजॉय कर रहा है। काटो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे डोरियन से बच रहा था। कैटो वापसी करते हुए बॉटल्स अपने हाथों में उठा लेता है क्योंकि डोपो ओरोची के लिए ये असली कराटे नहीं है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहते ही काटो ने उन बॉटल्स को उछालकर डोरियन पर फेंका और उसका चेहरे पर 4 बॉटल क्रश कर दी। काटो ने मौका देखते ही डोरियन पर लगातार पंच मारने शुरू कर दिए और उसका पूरा हाल किया। इसी बीच काटो एक के बाद एक मौके ढूंढकर बस जीतना चाहता था। एक्साइटमेंट के बीच डोरियन ने अचानक ताली बजाई और उसे वो करने दिया जिसके लिए वो एक्साइटमेंट दिखा रहा था। काटो उसका मार मार कर वो हाल करता जिसके बाद कोई इंसान चाहकर भी नहीं लड़ सकता और जीत से पहले ही जोरों से चिल्लाने लगता है। लेकिन जब उसने दूसरी बार ताली की आवाज सुनी तो उसका उत्साह दोहरा हो गया क्योंकि डोरियन उसके सामने सही सलामत खड़ा था। यहाँ इस मैच में एक और मोड़ आता है। डोरियन की हिप्नोसिस के चलते उसने कियोसामी काटो के दिमाग से खेलकर उसे एहसास दिलाया जो वो चाहता था, और ये सुनकर उसका हौसला कांच की तरह चकनाचूर हो गया। फिर जैसे ही काटो ने अपनी आखिरी चाल को अंजाम देना चाहा, डोरियन ने अपने पत्थर जैसे पंच से उसे अधमरा कर दिया और फिर अपने टंगस्टन वायर के इस्तेमाल उसकी गर्दन पर इतना गहरा घाव किया कि वो जगह काटो के खून से लथपथ हो गई और उसने डोरियन के पैरों में अपने प्राण त्याग दिए। फिर शिनशिन काई में मास्टर रेत्सु को प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है, जहां हम साफ देख सकते कि प्रैक्टिस के टाइम वो कितना पसीना बहाता है। रेत्सु धीरे से पंचिंग बैग की ओर बढ़ता है, लेकिन आज उसे उस बैग से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसने बैग को बीच से चीरा तो उसमें से काटो सेनपाई का घायल शरीर मिला। उसके बारे में डॉक्टर का विवरण दिल दहलाने वाला था। टूटी नाक, 13 मिसिंग दांत, रीढ़ की हड्डी का चूरा, टूटी हुई जांघ की हड्डी, 17 छोटे बड़े फ्रैक्चर्स, डैमेज्ड ऑर्गन्स और फेफड़ों में धसी हुई पसलियां। कुछ जख्म ऐसे भी थे जिन्हें इस लिस्ट में ऐड नहीं किया गया। कसुमी ने उस लिस्ट को धरती पर पटका और कहा कि उसे बेदर्दी से पीटा गया है और अब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है
और ये टाइम आईसीयू के बाहर खड़े होकर उसकी जान के लिए प्रार्थना करने का नहीं है। अगर इसका बदला नहीं लिया गया तो पूरी दुनिया शिनशिन काई के नाम पर थूकेगी। कसुमी डोरियन का चेहरा दिखाकर कहता है कि इस दरिंदे की फोटो कल के हर अखबार में होगी और शिनशिन काई के 10,000 लोग काटो की मौत का बदला जरूर लेंगे। शायद इस खबर के बारे में डोरियन जान चुका था और भेष बदलकर शहर में घूम रहा था। उस शाम एक होटल में डोरियन के पास एक वेटर आता है और डोरियन को उसके नाम से पुकारता है और वेटर क्योसामी काटो का सेन्योरा था। वो कहता है कि तुम अपनी गलती के लिए पछताने वाले हो क्योंकि 10,000 लोग तुम्हें जिंदा छबा जाएंगे। अब डोरियन कितने भी भेष बदल ले उसका मरना निश्चित है। जैसे ही डोरियन बाहर आता है दर्जनों लोग उसे घूरने लगते हैं। वो चुपचाप एक टैक्सी में बैठकर अपना टंगस्टन वायर निकालते हुए उस ड्राइवर से पूछते कि क्या तुम भी शिनशिन काई के हिस्सा हो। तो उस ड्राइवर ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहाँ तक सभी शिनशिन के ही लोग हैं। पीछे मुड़ते डोरियन को पता लगता है कि 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी अपनी नौकरी पर हैं और कुछ लोग काम से सीधा आए हैं और अपना मकसद पूरा करेंगे। शिनशिन काई का हर एक मेंबर सिर्फ डोरियन के खून का प्यासा है। जब डोरियन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो ड्राइवर साफ कहता है कि तुम अब वही करोगे जो हम कहेंगे। एक अम्यूजमेंट पार्क में उतरते उसके सामने सैकड़ों लोग खड़े होते हैं जो उसे पार्क के अंदर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहीं पर कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन अंदर जाने से पहले डोरियन मना करता और कहता है कि अगर तुमने से कोई ऐसा कर पाया तो मैं शिनशिन काई को मान जाऊंगा। लेकिन उसकी एक शर्त थी जो कि शिनशिन काई का रूल भी है, जिसमें एक फाइटर सिर्फ एक ही अपोनेंट से लड़ सकता है। तो सबसे पहले वो उस ड्राइवर को ही मौका देता है, लेकिन अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो डोरियन की एक हल्की सी लात से भी हेहोश हो जाता है। डोरियन का कहना था कि अगर तुम एक एक करके 1,000 लोग भी ले आओ तो भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे, और ये कहकर पार्क के अंदर चल देता है। पार्क बंद था इसलिए वहाँ काफी शांति थी। अचानक डोरियन की नजर ओशीदा नाम के जोकर पर पड़ी, जिसके एक इशारे पर अम्यूजमेंट पार्क जगमगा उठा। वो दोनों एक साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। डोरियन कहता है कि वो आज काफी मजे कर रहा है और इसी मजे को दुगना करते हुए डोरियन वहाँ की राइड्स को खूब मजा लेता है। तभी अत्सुशी स्वेदो उसका मजा किरकिरा कर देता है, जो काटो का बैचमेट और शिनशिन काई का थर्ड रैंक फाइटर है। स्वेदो का इरादा उसके शरीर से भी पक्का था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना डोरियन के खून से अपनी प्यास मिटाना चाहता था। जब से डोरियन जापान आया उसने पहली बार अपने साइज का कोई देखा और इंट्रोडक्शन होते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। डोरियन शायद जानता था कि स्वेदो को ताकत से हराना मुश्किल था, इसलिए वो उसके हर वार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा और स्वेदो भी उसका दम दबाकर पीछा करने लगा। उसने देखा कि डोरियन एक चलते हुए रोलर कोस्टर पर चढ़ गया है। जैसे उनकी ट्रेन ऊपर की ओर चढ़ने लगी, डोरियन ने स्वेदो के शब्द फिर से याद दिलाए कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज उसके शब्दों को असली टेस्ट होगा। अपने दोस्त के लिए बदले की भावना होना इंसान का नेचर है, लेकिन असली दुनिया में इमोशन तुम पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस हाइट पर स्वेदो है वो नीचे गिरते ही सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे वो राइड अपनी पूरी हाइट पर पहुंचती है तो स्वेदो मुकाबले के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका अपोनेंट डोरियन अचानक गायब हो जाता है। टॉप स्पीड में पीछे से आकर उसकी गर्दन चोक कर देता है, लेकिन तेज रफ्तार के कारण उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है और रोलर कोस्टर में आगे आने वाले घुमाव अटपटे थे, जिन पर खड़े रहना मुश्किल था और बिना सीट बेल्ट के तो नामुमकिन था। अपना बैलेंस कोकर स्वेदो अपनी जगह नहीं टिक पाता और इधर उधर टहकने आने लगता है और डोरियन आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। अचानक स्वेदो को डोपो ओरोची का लेसन याद आया, जहाँ उसने स्वेदो को एक ऐसा पोज सिखाया था जिससे किसी भी हिलती डुलती जगह पर खुद को बैलेंस कैसे किया जाए। स्वेदो काट में खड़ा होकर वही बैलेंस स्टांस लेकर डोरियन की हालत खराब करना शुरू करता है, वो भी खुद को काबू में रखकर। लेकिन अचानक डोरियन उसे लेकर वहाँ से नीचे कूद जाता है और कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मर भी जाओ। नीचे गिरते ही स्वेदो डोरियन के ऊपर आने की कोशिश में दिखता है और तभी वो दोनों जमीन पर इतना तेज गिरते हैं कि 4 मीटर हवा में उछल जाते हैं और खूनम खान हो जाते हैं। लेकिन डोरियन पहले उठा, क्योंकि स्वेदो के ऊपर आने के बावजूद उसने टंगस्टन वायर को खंभे पे टांगकर स्वेदो को गद्दे की तरह इस्तेमाल किया। तभी डोरियन के सामने कसुमी आ जाता है, जो उसके गंदे खून के पहचान चुका है और अब डोरियन का जिंदा बाहर जाना नामुमकिन है, क्योंकि कसुमी के साथ डोपो और रेत्सु भी हैं। फिर स्टोरी हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ जेन मास्टर के साथ उसके सभी स्टूडेंट्स में से एक ही नहीं उसका चैलेंज कंप्लीट किया। जेन मास्टर उन्हें माइंडसेट का ज्ञान देते हुए समझाता है कि कोई भी इंसान उतना ही अचीव करता है जितना वो विश्वास कर सकता है, लेकिन उस विश्वास को बताने के लिए भी वही प्रैक्टिस जरूरी है।
मास्टर वहाँ मौजूद तालाब में एक पंच मारते हैं, दूसरी तरफ से रेसु एक पंच मारता है और सवाल करता है कि मास्टर ने उसे मौका क्यों नहीं दिया। जेन मास्टर अपने मुंह पर चुप्पी साध कर उसे अपना साथ एक कॉरिडोर में ले जाते हैं, जहां रेत्सु ने 6 हथियार से लेस गार्ड्स को चित कर दिया। कुछ कदम और चलने के बाद मंदिर की एक खास जगह आ जाती है जो शायद वहां किसी ने नहीं देखी। उनके सामने एक गेट है जिसके पीछे वो सीक्रेट है जो रेत्सु जानना चाहता है। उस गेट के उस पार एक टनल खुलती है जिसे एक आदमी ने 40 साल पहले अपने हाथों से खोदकर एक ही रात में तैयार किया था। ये चाइनीज कैनपो का पुराना तरीका है जहां आप सिर्फ अपने हाथों से किसी पत्थर को तोड़कर उसका आकार बदल कर सकते हैं। बिना कैंप में परफेक्शन हासिल किए ड्रैगन तक पहुंचना मुश्किल है। ड्रैगन पत्थर के बने गोल बॉल के आकार होते हैं जिन्हों इंसानों के हाथ से बनाया जाता है। रेत्सु शेरोन के बचपन में जेन मास्टर ने उसे एक ड्रैगन से भरा कमरा दिखाया था, लेकिन एक ड्रैगन ऐसा था जो कमरे में नहीं रखा जा सकता था और वो थी वही सुरंग जैसी बड़ी बारीकी से काइयो नाम के आदमी ने बनाया था जो एक फॉरेनर था। जब जेन मास्टर ने बताया कि काइयो को फांसी की सजा होने वाली है तो ये बात सुनकर रेत्सु को विश्वास हो गया कि डोरेन काइयो है, इसलिए रेत्सु सर झुकाकर उसके लिए इज्जत व्यक्त करता है। डोरेन ने बैलियन टेम्पल 40 साल पहले ही छोड़ दिया था और 10 साल बीतने के बाद उसे खबर मिली कि उस धरती पर एक बुद्धिमान का जन्म हुआ जिसने काइयो टाइटल को अपने नाम किया। डोरेन ने नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात जापान में होगी। जब डोरेन ने रेत्सु के साथ फाइट करने की इच्छा जताई तो उसने कहा कि वैसे तो तुमने काफी घिनौनी हरकत की है, लेकिन कुंफू नहीं सिखाती कि अपने लोगों के साथ लड़ना सही है। उसके पीछे हटते ही कसुमी सना में आता है। तभी डोपो ओरोची कहता है कि शिन शिन काई का फाउंडर होने के नाते लड़ने का हक सिर्फ उसे है और दूसरा रीजन ये भी है कि उसे डोरेन से पुराना हिसाब चुकता करना है। डोपो आगे बढ़कर बिना डरे मैदान में आता है और बताता है कि 20 साल पहले वाला जोश वो अब भी महसूस कर सकता है जब उसने एक 2.5 मीटर लंबे और 260 किलो के साइबेरियन टाइगर को पछाड़ा था। और ये बात उसके अपने बेटे कसुमी को भी नहीं मालूम थी। जो टाइगर डोपो ने मारे थे असल में वो सारे रेयर स्पीशीज के थे, इसलिए डोपो कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाया। तभी ओरोची डोरेन पर टूट पड़ता है और अपने लेफ्ट हैंड से उसका मुंह तोड़ देता है, वही हाथ जिसे डोरेन ने गाजर की तरह काट दिया था। वो हाथ उसे वापस मिला था उन सिनेमा क्लिनिक में जहां उसका पुराना यार उसका इलाज करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ऑपरेट करने से पहले डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी थी ये प्रोसीजर इतना दर्दनाक है जो जहन्नुम का एहसास करवाता है। इस प्रोसेस में उसे 15 घंटे का टाइम लगा और ऑपरेशन के बाद से डोपो अपना हाथ महसूस कर पा रहा था और उसे डोरेन के सामने आने का इंतजार था। फाइट से पहले डोरेन कह चुका था कि कैंपो का प्रैक्टिशनर बंकर लड़ेगा, लेकिन एक पंच खाते ही उसकी एसिड बोतल और असलियत दोनों बाहर आ गई। फिर ओरोची ने उसका बुरा हाल करना शुरू किया। मौका देखते ही डोपो ने कराटे चॉप मार के उसका मुंह टेढ़ा कर दिया। डोरेन रुकता और कहता है कि जिस इंसान ने अपना सब कुछ कराटे के हवाले कर दिया हो वो मुझे कभी नहीं हरा पाया और ना ही हरा पाएगा। जिसके बाद डोरेन कराटे पोजेस की प्रैक्टिस करने लगता है। कसुमी को लगता है कि शायद ये उसकी नई चाल है। उसकी इन हरकतों को देखकर डोपो उसका एक टेस्ट लेता है। उसने एक कंकर कसुमी की ओर फेंका और दूसरा डोरेन की ओर, लेकिन दूसरा पत्थर मानो गायब ही हो गया। लेकिन असल में वो पत्थर अब पत्थर रहा ही नहीं, उसे डोरेन की हथेली ने धूल में बदल दिया और वही धूल उसने डोपो ओरोची के मुंह पर उड़ाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। डोपो जानता था कि डोरेन एक कैंपो मास्टर है, इसलिए उसे कमजोर मान लेना गलत होगा। लेकिन अचानक डोरेन बच्चों की आंसू बहाने लगा और अचानक अपनी जगह उसने बदल ली। लेकिन ये क्या, डोपो ओरोची सिर्फ हवा में ही किसी को मार रहा था, जिसका मतलब इस बार भी डोरेन ने हिप्नोसिस वाली चाल चली और डोपो ओरोची के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया। डोपो अपने ही मन में डोरेन की वो छवि बना रहा था जैसे वो चाहता था। रेत्सु ने बताया कि ये कैंपो नहीं है बल्कि हिप्नोसिस का एक कामयाब तरीका है। और इस वक्त ओरोची डोरेन के जाल में मछली की तरह फंस चुका है और नकली अपोनेंट पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। डोरेन कहता है कि तुम्हारा गॉड ऑफ वॉर दिमाग से इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, चलो उसके सुहाने सपनों पर पर्दा हटाया जाए। दादा तो डोरेन था कि उसका हिप्नोसिस तोड़े, लेकिन अपना मुंह तुड़वा बैठा। डोपो ने उसे बुरी तरह मारना शुरू करा और सूचित कर दिया। कसुमी को लगा कि डोपो पर कभी हिप्नोसिस का असर हुआ ही नहीं, लेकिन वास्तव में डोपो और ओरोची को फाइट में इतना लीन था कि उसे बस जीतना था। इतने सालों के फाइटिंग एक्सपीरियंस के बाद उसे पता है कि बैटल्स आसान नहीं होती हैं। बैटल होती ही है इंसानी दिमाग और शरीर को तड़पाने के लिए, और उन चैलेंजेस में बने कैसे रहना है डोपो और ओरोची को आज तक उसमें कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। डोरेन का तो उतना ही मुश्किल था,
तपो उसे हिप्नोसिस में होने के बावजूद तड़पा तड़पा कर पीट रहा था, और जैसे ही रेत्सु ने स्पेल तोड़ा ओरोची और भी ज्यादा चार्ज अप हो गया। जिस आयरन फीस से डोरियन लकड़ी और स्टील को भी चीर देता था, उनकी तो डॉपो ने चटनी बना दी। डोरियन को अपना सपना पूरा होता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हार से पहले वो हर पैतरा आजमाना चाहता था। उसका हर वार पलटने के लिए ओरोची उसके सामने डटकर खड़ा रहा। कासुमी देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहली बार लाइफ में किसी को हाथों से तलवार रोकते हुए देखा है। वहीं डोरियन का शरीर भी जवाब देने लगा। अब वो नहीं कह सकता कि कराटे का पुजारी उसे कतई नहीं हरा सकता। इसी बीच डॉपो उसका दूसरा हाथ भी क्रश कर देता है और उसकी चेस्ट में सीकन पंचेस की झाड़ी लगा देता है, जिससे किसी की भी पसलियां चकनाचूर हो सकती है, चाहे सामने वाला कितना भी मस्कुलर क्यों ना हो। और आखिरी पंच पड़ते ही डोरियन खून की उल्टियां करने लगा। डॉपो उसे फिर से एक बार कराटे की कला याद दिलाता है, फिर किक मार के उसके दोनों घुटने भी चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद डोरियन अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। डोरियन को लगा कि अब उसका आखिरी वक्त नजदीक है, क्योंकि उसके पूरे शरीर से खून की नलियां बह रही थी। डॉपो ने जैसे ही आखिरी हमले की बात की, डोरियन उसका पंच देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक था। हकीकत में आखिरी दांव लगाने की बारी तो काटो की, जो अपने चेयर से उठने की हालत में भी नहीं था। उसके डॉक्टर इस बात से काफी नाराज था, क्योंकि एक और इंजरी काटो की जान ले सकती थी, लेकिन फाइनल अटैक के बाद सुनकर डॉक्टर ओरोची पर हंसने लगा। इसी दौरान डोरियन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। काटो अपने पैरों पर उठा और डोरियन के नजदीक जा खड़ा हुआ, और आखिरी हमले से पहले डोरियन ने हार मान ली और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। लेकिन उसे छोड़ने का अंजाम शायद वो सब नहीं जानते थे। डोरियन के हाथ का एक्सरे करने पर डॉक्टर को एक छोटा सा एक्सप्लोजिव दिखाई दिया, लेकिन वो श्योर नहीं था। उसके साथी ने कहा कि आप ज्यादा मत सोचिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन डरा देने वाली बात तो ये थी कि डोरियन ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो अपने बेड से गायब था। उसने काटो के रूम में जाके ऐलान किया कि एक और काम अभी बाकी है, और इतना कहकर डोरियन खिड़की से कूदकर कहीं चल देता है। डॉपो ओरोची आज काफी प्राउड फील कर रहा होगा। वो अपनी वाइफ को खोया हुआ हाथ दिखाकर सरप्राइज करना चाहता है, लेकिन गेट खोलने से पहले उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो गेट तोड़कर सीधा अंदर चला जाता है, जहां घर की बुरी हालत देखकर उसका मन मचलने लगा। वो अपनी वाइफ के नाम जोर जोर से पुकारने लगा। तभी अचानक उसकी नजर डोरियन के लाइटर पे पड़ी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, डोरियन ने पीछे से आकर उसके फेस पर वही एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया जो उसने अपने हाथ में छिपाया था। और इतने बड़े धमाके के बाद डोरियन के हाथ से खून के फवारे छूटते लगते हैं। इसी हालत में अपना फेवरेट गाना गुनगुनाने लगता है, लेकिन उसने तो सिर्फ अपना हाथ खोया, लेकिन डॉपो ओरोची का पूरा चेहरा झुलस जाता है। और उसी रात बाकी और कजाऊ की नजदीकियां काफी बढ़ने लगी हैं। वो दोनों लगभग पूरा दिन साथ में बिताते हैं। शाम को बिछड़ते वक्त शायद दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल बाकी उसके साथ कुछ और टाइम बिताने के लिए अपने घर पर रुकना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। जाने से पहले दोनों लास्ट बार किस करते हैं, और कजाऊ 10 मिनट बाद उसे मिलने का वादा करके वहां से भाग जाती है। डोरियन का सामना कुछ देर बाद रेत्सु से होता है। डोरियन उससे स्ट्रेंथ का मतलब जानना चाहता है। रेत्सु कहता है कि दूसरों की भलाई के लिए गई ताकत और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल की गई ताकत दोनों स्ट्रेंथ ही होती है, लेकिन डोरियन को हमेशा से हार का मजा चखाना चाहता था, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है। उसकी इस बात पर डोरियन हंसने लगता है और कहता है कि हार का पीछा करते करते ही मैंने अनगिनत बैटल्स जीती हैं, और आखिर में उसकी इच्छा रेत्सु को हराने की थी। ये सुनते ही रेत्सु स्टांस लेते हुए कहता है कि अब तुम्हारी इस इच्छा का अंत मैं ही करूंगा। इतना सुनते ही डोरियन चाला किसे अपने हाथ पर बांधा खून से सना कपड़ा उसके मुंह पर लपेट देता है, लेकिन रेत्सु का निशाना आंखें बंद होने के बाद भी बिल्कुल नहीं चूकता। डोरियन जानता था कि वो रेत्सु से नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने जानकर उसे चैलेंज दिया, क्योंकि डोरियन अपना हार का सपना पूरा करना चाहता था। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस को कई सारी पुलिस घेर कर चलते हुए दिखती है। आखिर पेशेंट भी तो अमेरिका की जेल से भागा 150 किलो का मुजरिम था। उसके साथ रेत्सु और कुछ सोल्जर्स थे जिनकी हालत उसे देखकर ही खराब हो रही थी। वो रेत्सु से कहते कि हम तो बस नाम के सोल्जर्स हैं, अगर कोई हादसा हुआ तो आप ही को हमारी हेल्प करनी होगी। रेत्सु कहता कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और अचानक डोरियन बिस्तर से उठ खड़ा होता है और खिड़की से बाहर देखकर कैंडी की जिद करने लगा है। वो बच्चों की तरह हर चीज को कैंडी बताता है, शायद हार का मजा चक्कर उसका दिमाग अपनी जगह से हिल चुका है। रेत्सु उससे वादा करता है कि वो उसके लिए कैंडीज को पहाड़ खड़ा कर देगा। तभी कसाऊ भी अपने घर पहुंचती है और बाकी का वेट करने लगती है, और हर रोज की तरह बाकी उससे मिलने घर पहुंचता है,
लेकिन उनकी मुलाकात इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। कोई कजाऊ की खिड़की बजाकर उसे बुलाता है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। कजाऊ काफी डर जाती है, तभी अचानक सिरस्की वहाँ आकर उसका मुंह दबोच लेता है और कहता है कि तुमने अगर इतनी सी भी आवाज की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को भगवान को प्यारा कर दूंगा। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।